सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं और कहीं पे भी नहीं पहुंचे अभी तक. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड विटी प्लेस. दिस इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट वाटर वी हैव एवर सीन. Hi guys, welcome or welcome back to our channel. हमने डारचा चेक पोस्ट क्रॉस किया है अभी और अगर आपने हमारी डारचा तक की जर्नी नहीं देखी है तो डू वॉच द प्रीवियस वीडियो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. यस, यू गेस्ड इट राइट, हम लोग जा रहे हैं लद्दाख और पहले हम जा रहे हैं ज़ांस्कर रीजन. और रूट की बात करें तो डारचा से 2 रास्ते कटते हैं, एक रास्ता लेह के लिए जाएगा, दूसरा रास्ता स्ट्रेट शिंगखुला के लिए जाएगा जो हमें लेके जाएगा ज़ांस्कर रीजन. तो चलिए चलते हैं. जिसकी हाइट है 16,580 फीट. ये हमारा अब तक का हाईएस्ट पास है और नज़ारे देखो, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड. फ्रोजन रिवर इन द मंथ ऑफ मे. ऐसा ही रोड है, बहुत बहुत खराब. हाँ
अभी हमें शिंखुला से चले हुए ऑलमोस्ट एक सवा घंटा हो गया है एंड वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर एंड सरप्राइजिंगली इन द मिडल ऑफ नोवेयर हमें एक बहुत ही क्यूट सा टी स्टॉल मिला है। यहाँ से हम थोड़ा सा चाय वगैरह लेते हैं। हमने भी भैया से पूछा पुणे को पहुँचने में लगेंगे 2 घंटे और 1 घंटे की दूरी पर चेक पोस्ट है जिससे हम लद्दाख एंटर करेंगे। एंड दिस इज़ द चेक पोस्ट जहाँ से ज़ांस्कार जाने के लिए आपको एंट्री करानी पड़ेगी और इसके बाद ऑफिशियली हम लोग ज़ांस्कार रीजन में होंगे। एंट्री हमने करा ली है तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं और कहीं पे भी नहीं पहुंचे अभी तक और रोड्स की कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पुणे विलेज और यहाँ पे सिर्फ 2 ही घर हैं। स्टेइंग एट दिस डॉल्फिन कैंपसाइट एट पुणे। अभी हम यहाँ पे लग्जूरियस फूड एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद आपको अपना लग्जूरियस टेंट दिखाते हैं। चलिए अब यहाँ पे बाकी
फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गर्म पानी के लिए सोलर वाटर हीटर लगा हुआ है और सामने ही आप देखेंगे कि वॉशरूम्स अवेलेबल हैं जहाँ पे इंडियन और वेस्टर्न दोनों की ऑप्शंस हैं। और ये रहा हमारा ट्रेन, आपको अंदर से दिखाते हैं कैसे। ये टेंट 4 पर्सन्स के लिए है, दो लोग यहाँ सो सकते हैं, दो लोग दूसरी साइड में सो सकते हैं। अभी तक के लिए तो ये टेंट फुली हमारा ही है, बट अगर कोई इमरजेंसी में आता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू शेयर। दिस इज द बेस्ट वी कैन गेट हियर। अदरवाइज यहाँ पे एक और गेस्ट हाउस की फैसिलिटी अवेलेबल है और वहाँ पे 2-3 रूम्स हैं और जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो ड्राई टॉयलेट्स की है, दैट्स व्हाई वी चोज दिस वन। और यहाँ पे जो कॉस्ट हमें पड़ी है विच इज़ 1000 पर पर्सन, दैट इंक्लूड्स डिनर एंड ब्रेकफास्ट विच इज़ स्टैंडर्ड हियर। यहाँ पे भी सेम है और दूसरे गेस्ट हाउस में भी सेम है। और इन कैंप्स में बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है और क्योंकि पूरी एनर्जी सोलर पावर्ड है तो यहाँ पे आपको चार्जिंग की दिक्कत हो सकती है, तो आप उस तरह से अपना माइंड सेट करके ही आइएगा। अभी हम लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 10 आवर्स ऑफ रोड पे ड्राइव करके आए हैं, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा हमारे साथ, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। Do check us out on Instagram and follow for more interesting real-time stories.